लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने बुधवार को चंदनजी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदान किया। मतदान के बाद डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखकर अधिकारी काफी खुश भी नजर आए हैं। उन्हें तमाम चीजों पर हमारे सहयोगी रूपेश अग्रवाल ने इसका जायजा लिया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना जिला प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का एक महापर्व है, सबसे खूबसूरत तस्वीर है जिन जो आज लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज खुद लातेहार के डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने यहाँ पर वोट किया है और सीधा उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं सब लोकतंत्र का महापर्व कितना प्यार है लातेहार। सभी को जो है हम लोग की पूरी तैयारी है। अभी तक हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे का जो डेटा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 32% वोटिंग भी हो गई है, तो भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। हम लोग को ये मोमेंटम पूरे दिन कंटिन्यू रखना है, जिससे जो हमने इतना मेहनत किया है सीट में एक महीना, उसके लिए हम लोग को कुछ रिवॉर्ड मिले और लोग आए वोट करने के लिए। सर, आप वोट दिए हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने फिंगर दर्शकों को हमारे दिखाएं और देख सकते हैं कि जो वोट दिए डीसी साहब, लोगों से अपील कर रहे हैं सर, अगर बात करें कुछ संवेदनशील बूथों की, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी? सभी व्यापक हमारे तरफ से तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी, टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो एकदम निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ हो रहे हैं। और आप सभी से ये अपील है कि आएँ और वोट दें। आप लोगों ने वोट कई जगह में देख रहा हूँ कि वोट नहीं दिए हैं लोग, आपके के कैमरामैन कहाँ हैं आपको दिखाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। और बात करें सर बुजुर्ग मतदाता का, महिला मतदाता का, तो बूथों पर सर किस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई? आप जैसे देखेंगे ये वाला बूथ भी एक PWD बूथ है। यहाँ पे हम लोग के जो पाँचों जो हम लोग के कर्मी बैठे हैं, पीठासीन से लेकर के P1 एक्स्ट्रा P2 है यहाँ पे, क्योंकि 1200 से अधिक वोटर्स हैं यहाँ पे, तो हमारी पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं। एक मॉडल बूथ भी है, बुजुर्गों के लिए हर जगह पे व्हीलचेयर भी उपलब्ध है हम लोग के यहाँ पे, और दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग के पास पूरी। सर, आखिरी सवाल, वोटरों से क्या अपील कीजिएगा कि लोग ज़्यादा ज़्यादा वोटिंग? हमारा यही अपील है कि आप लोग आएँ वोट करें। आप लोग ने बूथ की व्यवस्था हम लोग की देख ली है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी हुई है। हम लोग कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ पे भी भीड़ लग रही है वहाँ पे जो पोलिंग पार्टी है उसे सीधा संपर्क स्थापित करके उनको बोल रहे हैं कि वोटिंग तेजी से। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं कि लातेहार के डीसी जिन्होंने हमसे बात की और कहा इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग ज्यादा ज्यादा वोटिंग कर, अगर वोटिंग हो रहा थी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि जिला प्रशासन ने काफी मेहनत किया है, कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, स्वीप के कार्यक्रम चलाए हैं। और TV45 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि लोग इस लोकतंत्र का महापर्व में अपने ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी करें और वोटिंग करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रूपेश अग्रवाल, TV45 लातेहार।